सभी साथियों को नमोबुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज एक वीडियो फिर बना रहा हूँ। आप सभी लोगों को, अगर मेरी तरफ से कोई वीडियो में गलती हो रही हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। सभी साथियों को सतगुरु रविदास जी की सबसे पहले हार्दिक जयंती की शुभकामना। सतगुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हैं और सतगुरु रविदास जी के बताए रास्ते पर भी चलने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज ये वीडियो है, ये आगामी जो 14 तारीख को चुनाव है, तो उसके लिए आप सब लोगों को अवगत कराते हुए और सभी साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियो शेयर करी जाएगी। साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस टाइम खेत पर हूँ और खेत पर ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ है, पेड़, ये बेल पत्थर का पेड़ है और ये सरसों है, सरसों बोलते हैं इसे, राई, वो अगर दिख रही हो। साथियों, 10 तारीख का कल का हमारा चुनाव था, बहुत बेहतरीन गया और बहुत बढ़िया तरीके से वोटिंग हुई। कोई भी साथी ये ना समझे कि हाथी हमारा कमज़ोर है, हाथी राजा है और राजा ही रहेगा। साथियों, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ करेंगे, गठबंधन करेंगे, ये गठबंधन नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ठगबंधन है। अगर गठबंधन में इतनी ताकत होती तो गठबंधन नहीं करते ये लोग। जब हम 19 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, बीजेपी इन पर तब नहीं रुकी, तो अब ये दो गठबंधन क्या करेंगे। 7% वोट हैं यादवों की और 3-4% हैं जाटों की। बहुजन समाज पार्टी की 24% वोट है उत्तर प्रदेश में, जो अपने दम पर रखती हैं। साथियों, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं, ये जो पेड़ मैंने आपको दिखाया, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ बेल पत्थर। ये पेड़ वो है जिस पेड़ को आज फल दे रहा है, आप वर्तमान में देख सकते हो फल लटक रहे हैं। इसने गर्मी भी झेली है, सर्दी भी झेली है, बरसात भी झेली है, हवा भी झेली है, आंधी भी झेली है, दिन रात झेले हैं, तब जाकर ये पेड़ आज फल दे रहा है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी है, जिसको साहब माननीय काशीराम जी ने अपने खून से सींचा, गांव-गांव जा जाकर, माननीय बहन जी ने गांव-गांव जा जाकर लोगों को जगाया, उनका अधिकार बताए। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, हमारा वोट का अधिकार क्या है। साथियों, अगर हमें बहुजन समाज पार्टी के फल खाने हैं तो हमें इस पेड़ की रक्षा करनी पड़ेगी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पीढ़ी दर पीढ़ी फल खाती रहे। और पेड़ बहुजन समाज पार्टी है, जो एक वृक्ष बन चुकी है, देश के अंदर तीसरी पार्टी का अपना वो रखती है महत्व, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। साथियों, किसी के भी बहकावे में ना आए, जो साथी हमारे, जिन लोगों ने कल 2022 10 तारीख को वोट डाली है, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। उन युवाओं को जिन्होंने अपना वफादारी माननीय बहन जी को और साहब काशीराम को और बाबा साहब को दी। अब मेरा आप सभी से ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि जो 14 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होगा, एक तो वो साथी जो वोट डाल चुके हैं उनका हौसला अफजाई करें 14 तारीख वालों का, और 14 तारीख वालों से भी मेरा ये निवेदन है, जहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँच सकती हो, कि जिन लोगों से आपके संपर्क है, जो लोग वोट डाल चुके हैं, उनको आप लोग आमंत्रित करें, उनका खर्चा उठाएं और उन साथियों के साथ में 14 तारीख में, 18 तारीख में, 22 तारीख में, हर 4 दिन के बाद वोटिंग होगी, उन लोगों को आप लोग आमंत्रित करें, चाहे आपकी किसी से भी पहचान हो। और एक बात मैं और कहनी चाहूँगा माननीय बहन जी से भी, कि बहन जी, जिन लोगों की वोट डल गई है, उनको जहाँ आगामी वोट डल रही है उनकी साथ में लगाएँ, और कार्यकर्ताओं को और कैंडिडेट को ये कहें कि बढ़िया तरीके से चुनाव लड़िए। कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल पूरा है, जो बूथ पर बैठा कार्यकर्ता उसके अंदर मनोबल पूरा है। इसी तरीके से आप सब लोग आगे आगे बढ़ते रहिए। हाथी चल चुका है और दौड़ रहा है धड़ाधड़, किसी के बहकावे में ना आए, मीडिया के बहकावे में ना आए। और आप सब लोगों को मैं एक बात और बता दूँ, कि जब हम माँ की कोख से बाहर आए थे तो माँ का घाघरा नीला था, जब हम स्कूल गए तब हाफ पैंट और पैंट मिलती थी तो पैंट का रंग भी नीला था,
जब हमने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करा तो उसके अंदर धम्म चक्र भी नीला था। उसके बाद में जब हम पार्टी को वोट देने गए तो पार्टी का रंग भी नीला था, और अगर मुंह उठाकर आसमान की ओर को देखोगे तो आसमान का रंग भी नीला है। और इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरी देख सकते हो, इसमें भी नीला है। तो इस दुनिया से जिस दिन हम जाएंगे तो उस दिन हमारा कफन भी नीला होगा, और पार्टी को वोट देने जा रहे हो तो पार्टी का रंग भी नीला है। तो साथियों, हाथी का बटन दबाइए, जिस भाई को मेरी आवश्यकता हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो मुझे अपने काबिल समझता हो, मैं उसके लिए तत्पर्य खड़ा हूँ, टीम खड़ी है। आप चाहे 14 में बुला लीजिए, 18 में बुला लीजिए, 22 में बुला लीजिए, 26 में बुला लीजिए, या 28 में बुला लीजिए, जहाँ जहाँ तक भी चुनाव है, जहाँ भी हमारी वीडियो फैल रही हो। अगर आप सब लोगों को ये है कि भाई ये वीडियो हमारा हौसला अफजाई कर रही हैं, तो हमने कल तो अपना फर्ज निभा दिया। अब आगे साथियों से मेरा ये निवेदन है कि सभी साथी जोर से जयकारों के साथ में, और उनका हौसला बढ़ाइए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको किसी भी चीज़ का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, और सभी लोग अपने मत का उपयोग करें। जिन युवाओं की नई वोट बनी है, सबसे पहले वोट डालने जाएं, क्योंकि हमारी वोट सबसे बड़ा अधिकार है। आज हमारे पास में जो भी लोग आ रहे हैं वो केवल 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 एक वोट के कारण आ रहे हैं, वरना इस देश के अंदर हमारा, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो हर जाति हर धर्म का व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है। वो कोई नहीं चाहता कि तुम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनो। और एक स्पेशल बात, उन लोगों से सचेत रहें जो गठबंधन गठबंधन के चक्कर में कह रहे हैं कि बीजेपी हरानी है, बीजेपी हरानी है। उनके पास कुछ नहीं है, हमें माननीय बहन जी को जिताना है। जब हमारी बहन जी जीत जाएंगी, हमारे हाथी जीत जाएगा, तो वो दूसरे अपने आप हार जाएंगे। वोटों से हारता कोई भी आदमी, और वोटों से ही राजा बनेगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है हमें, मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरी वोट। और वोट का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें, बढ़िया तरीके से करें, टाइम से पहले जाएं। आप सभी लोगों को देवेंद्र गौतम हिसाली सम्मान एक अधिकार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, क्योंकि हमारा 14 नंबर लक्की है, और 14 फरवरी वालों के लिए ही ये वीडियो है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म है। 14 अप्रैल को ही आप लोग वोट देने जा रहे हैं, और सदगुरु रविदास जी की 16 तारीख को जयंती है, तो 14 तारीख को वोट डालिए। 14-16 को आप लोग सदगुरु रविदास जी की जयंती मनाइए, और 18 वालों का हौसला अफजाई करिए, यानी कि इस जगह से निकलिए जहाँ वोट डलगी, फिर आगे चलिए, फिर उनकी डलगी तो उनको बढ़ाइए, क्योंकि आगामी जो आने वाला क्षेत्र है वो जो है थोड़ा सा बैकवर्ड में है, तो उसे किसी भी तरीके से हल्के से ना लें, और किसी के बहकावे में ना है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, सबके गठबंधन हो लिए फेल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, देवेंद्र गौतम हिसारी की तरफ से, सम्मान एक अधिकार टीम की तरफ से, आप सभी को मेरा पूर्ण रूप से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जिन्होंने वोट डाली और जो वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट का अपना इस्तेमाल पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु रविदास जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।